स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सिरमौर के नाम जुड़े कई रिकॉर्ड। 17 वर्ष बाद जिले को मिला मंत्री। पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम चौधरी के मंत्री बनते ही सिरमौर के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया। लगभग 17 वर्ष बाद सिरमौर से कोई मंत्री बना है। इससे पहले वर्ष 2003 से 2007 तक पछाड़ से जीआर मुसाफिर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। सुखराम चौधरी सिरमौर से मंत्री पद हासिल करने वाले भाजपा के पहले नेता भी बन गए हैं। सोलन में 28, प्रदेश भर में 47 कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल में शुक्रवार को 47 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सोलन में 28, मंडी में 8, कांगड़ा में 7, हमीरपुर और चंबा में 2-2 मामले आए हैं। वहीं प्रदेश भर में 42 कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं, इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सोलन में 28 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। ये मामले बद्दी, पंजेड़ा, गुरु माजरा के हैं। मंडी में कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं। ये मामले पैलेस कॉलोनी, महादेव सुंदरनगर, धार, गहरी, कत्याना, टेरा और करसोग से हैं। हिमाचल में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, रात्रि कर्फ्यू हटा। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल में 5 अगस्त से योग सेंटर और जिम खुल जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग SOP जारी करेगा। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद शुक्रवार को हिमाचल सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन सेल ने भी गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन में आज से हिमाचल में कर्फ्यू भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से घोषित कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सारे नियम लागू रहेंगे। सरकारी और निजी रात्रि बस सेवा भी नहीं चलेगी। प्रदेश में आने के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य रहेगा। 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक ही गांव के 3 युवकों समेत 4 की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के मुरंग थाने के तहत लिपा संपर्क मार्ग पर गुरुवार देर रात एक कार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार चालक समेत 4 युवकों की मौत हो गई है। चारों दोस्त लिपा गांव से थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिए। TGT सहित 943 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 21 अगस्त तक सरकार से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने TGT समेत 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसमें 587 पद TGT और 23 अन्य श्रेणियों के 356 पद शामिल हैं। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश CB बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। डिग्री कॉलेजों में 20 अगस्त तक बढ़ी दाखिलों के आवेदन की तारीख। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में दाखिले के आवेदन की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच 13 से 31 जुलाई तक कॉलेजों में कम संख्या में पंजीकरण को देखते हुए सरकार ने आवेदन करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 20 अगस्त तक विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में नए दाखिले और सेकेंड व थर्ड ईयर में रोल ऑन आधार पर दाखिले ले सकेंगे। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने तारीख बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर किया मंत्रियों का चयन, कोई नहीं नाराज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश इकाई से चर्चा के बाद सोच समझकर ही मंत्रियों का चयन किया है। ऐसे में किसी के नाराज होने का सवाल नहीं उठता है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार होटल पीटरहॉफ में पत्रकार वार्ता में कश्यप ने कहा कि प्रदेश संगठन में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। युवाओं के लिए सेना में जाने का सुनहरा मौका, 1 से 14 अक्टूबर तक भर्ती। भारतीय थल सेना की ओर से हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दे रही है। भर्ती 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2020 तक मंडी के पड्डल मैदान पर होगी। भर्ती की लिखित परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होगी। भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी, सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होगी। इच्छुक युवा भर्ती के लिए अपना पंजीकरण 7 अगस्त से 20 सितंबर तक भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की सभी शाखाएं बंद, 14 दिन बाद दफ्तर आने के निर्देश। राज्य सचिवालय में कोरोना संक्रमण के मामले आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की सभी शाखाओं के कर्मचारी और अधिकारी 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं। इन कर्मचारियों को घर से बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि अगर इसी बीच किसी की तबीयत खराब होती है तो इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और सचिवालय को दें। करीब 30 कर्मचारी क्वारंटाइन किए गए हैं। भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश का मौका, 30 सितंबर तक करें आवेदन। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून की जुलाई 2021 के सत्र की 8वीं कक्षा के प्रवेश परीक्षा 1 और 2 दिसंबर को देश के कुछ चुने हुए केंद्रों में होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र और विवरण पत्रिका और पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में केरोसिन डाल लगा दी आग, पुजारी को जिंदा जलाने की कोशिश। धर्मपुर के रोडी गाँव में शरारती तत्वों ने केरोसिन डालकर काली माता मंदिर और पुजारी को जिंदा जलाने की कोशिश की। यह घटना सोमवार देर रात की है, लेकिन पुलिस को इसकी शिकायत शुक्रवार को दी गई है। शरारती तत्वों ने मूर्तियों को उठाकर मंदिर से थोड़ी दूर पर फेंक दिया। मंदिर में रखा कुछ सामान भी गायब था। पुजारी के कमरे को भी रोशनदान से कैरोसिन डालकर
जलाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धूमल के चुनाव हारने से किनारे पर हमीरपुर जिला, मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। जरा मंत्रिमंडल में हमीरपुर को जगह नहीं मिली। हमीरपुर सदर से विधायक नरेंद्र ठाकुर और भोरन से विधायक कमलेश कुमारी मंत्रिमंडल की दौड़ में थे। कयास लगाए जा रहे थे कि जयराम ठाकुर दोनों में से किसी एक को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की उम्मीदें धरी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चुनाव हारने के बाद हमीरपुर जिले की राजनीति किनारे पर है। राजेंद्र गर्ग को मंत्री बना नड्डा ने पूरा किया चुनावी वादा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजेंद्र गर्ग को मंत्री बनाकर विधानसभा चुनाव में घुमारवी की जनता से किया वायदा पूरा कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान नड्डा ने गर्ग के लिए लोगों से कहा था कि वे विधायक नहीं मंत्री समझकर गर्ग को वोट दें। नड्डा की इसी अपील के बाद गर्ग ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। एक दिन की बच्ची लेकर पहले फरार हुआ पिता, फिर मारकर दफनाया, गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी में एक पिता द्वारा एक दिन की बेटी को लेकर फरार होने का मामला सामने आया था। इलाके में पहले से यह चर्चा थी कि उक्त व्यक्ति ने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। व्यक्ति की तलाश के लिए रात को ही सर्च ऑपरेशन चला दिया गया था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि बच्ची को मारने के बाद उसने बच्ची को दफना दिया है। पूर्व आईजी जैदी को जेल में ना मिलेगा कंप्यूटर और ना ही मिलेंगी बी क्लास सुविधाएं। शिमला के गुड़िया रेप मर्डर केस के आरोपी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में जेल में बंद पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को जेल में बी क्लास सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बी क्लास सुविधाओं के लिए जैदी ने जो एप्लीकेशन सीबीआई कोर्ट में दायर की थी वह शुक्रवार को जज ने खारिज कर दी। जैदी ने जेल के ऑफिस का कंप्यूटर भी इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी थी, वह एप्लीकेशन भी कोर्ट ने खारिज कर दी। 36 घंटे जमकर बरसे बादल तो सड़कों पर आया मलबा, अधिकतर सड़कें रही बंद। पिछले 36 घंटे में हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है और इस कारण सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे क्षेत्र की अधिकतर सड़कें कई घंटे तक बंद रहीं। क्षेत्र की कुछ सड़कों पर 18 घंटे बाद भी यातायात बहाल नहीं हो पाया है। भारी बारिश के चलते हरिपुरधार सिलाई मार्ग पर कई स्थानों पर भारी मलबा आ गया, जिसके कारण यह प्रमुख मार्ग लगभग 5 घंटों तक अवरुद्ध रहा। रात भर बारिश होने से हरिपुरधार बडोल मार्ग भी कई स्थान से बंद हो गया था। इस मार्ग पर सुबह मीनू कोच की एक बस फंस गई थी। ऊना जिले में पहली और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 13वीं मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 13वीं मौत का मामला सामने आया है। मृतक ऊना जिले का रहने वाला था और गंभीर स्वास्थ्य के कारण उसे पीजे चंडीगढ़ रेफर किया गया था। चंडीगढ़ में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद उसका कोविड-19 टेस्ट सैंपल लिया गया जो पॉजिटिव पाया गया है। मृतक का चंडीगढ़ में ही स्वास्थ्य विभाग ने अंतिम संस्कार करवा दिया गया। ऊना जिले में कोरोना से मौत का यह पहला मामला है। सड़क से 40 मीटर नीचे लुढ़की कार, बीडीसी सदस्य व शिक्षक की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र में एक कार 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसा गुरुवार रात करीब 8 बजे एजू गोलवा लड़भड़ोल सड़क पर तरामट घट गांव के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। मंडी जिले के मनियो गांव में देर रात कार 200 फीट गहरी खाई में गिरी, एक युवक की मौत, दो गंभीर जख्मी। जिले के धर्मपुर उपमंडल के गांव मनियो में बीती रात एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मनियो गांव के बसंग सिंह ने पुलिस को दी है। करीब 200 फीट खाई में उतरकर गांव के लोगों ने घायलों को निकालकर टीहरा अस्पताल में पहुंचाया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।